Today in this lecture, I am going to discuss provisions for labor welfare in India under Factories Act 1948. There are 8 provisions under Factories Act 1948 for labor welfare in India. First is washing facilities. Second, facilities for storing and drying clothing. Third is facilities for sitting. Fourth, first aid appliances. Fifth is canteens. Sixth, shelters, restrooms, and lunchrooms. Seventh is crutches. And eighth is welfare officers. So first is washing facilities. Her factory mein male workers and female workers unke liye alag se washing facilities hona zaruri hai. Male workers ke liye alag hongi, female workers ke liye alag hongi. वॉशिंग फैसिलिटीज़ फॉर एग्जाम्पल अगर किसी वर्कर को हाथ धोने भी जाना है तो मेल एंड फीमेल वर्कर्स दोनों के लिए अलग वॉशिंग फैसिलिटीज़ फैक्ट्रीज़ में प्रोवाइड करवाई जाएंगी. एंड जहाँ फैक्ट्री में जिस एरिया में वो वॉशिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई जा रही है दैट एरिया शैल बी कैप्ट क्लीन. सेकेंड इज फैसिलिटीज़ फॉर स्टोरिंग एंड ड्राइंग क्लोथिंग. हर फैक्ट्री में जब भी कोई मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कैरिड ऑन हो रही है तो ड्यूरिंग द वर्किंग आवर्स जो वर्कर कपड़े नहीं पहन रहा है, ड्यूरिंग द वर्किंग आवर्स कई बार क्या होता है फैक्ट्रीज में कि वर्कर को काम करने के लिए अलग कपड़े दिए जाते हैं या फिर उसकी यूनिफॉर्म होती है, तो वहाँ पर क्या होगा जो वर्कर ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस या फिर ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स जो कपड़े नहीं पहन रहा है वो कपड़ों को स्टोर करने के लिए उसको अलग से कबर्ड्स प्रोवाइड करवाए जाएंगे. और अगर ड्यूरिंग द वर्किंग आवर्स उसके कपड़े गीले हो चुके हैं तो उनको ड्राई करने के लिए उसको वहाँ पे फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई जाएगी. थर्ड इज फैसिलिटीज फॉर सिटिंग. अगर किसी वर्कर का काम स्टैंडिंग पोजिशन में है यानी कि उसने खड़े रहकर काम करना है तो उस वर्कर को इंटरवल्स में रेस्ट लेने के लिए बैठने के लिए वहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट्स प्रोवाइड करवाए जाएंगे. एंड अगर कोई वर्कर वही काम बाय सिटिंग कर सकता है देन जो फैक्ट्री का चीफ इंस्पेक्टर है वो उस वर्कर को सिटिंग अरेंजमेंट्स प्रोवाइड करवाएगा ताकि वो उस काम को बैठकर भी कर सके. फोर्थ इज फर्स्ट एड अप्लायंसेस. अंडर फैक्ट्रीज एक्ट 1948 फर्स्ट एड देना ज़रूरी है, नेसेसरी है. हर फैक्ट्री में अगर 150 वर्कर्स से ज़्यादा वर्कर्स को एम्प्लॉयड किया जा रहा है तो वहाँ पे एक फर्स्ट एड बॉक्स का होना ज़रूरी है. एंड जो पर्सन उस फर्स्ट एड की फैसिलिटी को प्रोवाइड करवा रहा है यानी कि अगर किसी वर्कर को इंजरी हो चुकी है जो पर्सन उसकी फर्स्ट एड कर रहा है दैट पर्सन शुड होल्ड अ सर्टिफिकेट ऑन फर्स्ट एड ट्रीटमेंट. और अगर किसी फैक्ट्री में 500 से ज़्यादा वर्कर्स एम्प्लॉयड हैं तो वहाँ पे एक एम्बुलेंस रूम का होना ज़रूरी है. फिफ्थ प्रोविजन इज कैंटीन्स. अगर फैक्ट्री में 250 वर्कर्स से ज़्यादा वर्कर्स एम्प्लॉयड हैं तो एज पर द स्टेट गवर्नमेंट रूल्स उस फैक्ट्री में एक कैंटीन या फिर एक से ज़्यादा कैंटीन्स का होना ज़रूरी है फॉर द यूज़ ऑफ वर्कर्स. यानी कि अगर किसी वर्कर ने कुछ खाना खाना है या फिर कुछ और फूड स्टफ है जो खरीद कर वो खाना चाहता है तो वो खा सके. एंड जैसे स्टेट गवर्नमेंट ने रूल बनाए हैं जो फैक्ट्रीज एक्ट 1948 में लिखा गया है कि कौन से फूड स्टफ्स वहाँ पे प्रोवाइड करवाए जाएंगे, कैंटीन का कंस्ट्रक्शन कैसा होगा, कैंटीन का फर्नीचर क्या होगा या फिर कैंटीन में कौन से इक्विपमेंट्स यूज़ किए जाएंगे तो फैक्ट्री में उन्हीं प्रोविजंस को फॉलो किया जाएगा. सिक्स्थ इज शेल्टर्स, रेस्ट रूम्स एंड लंच रूम्स. हर फैक्ट्री में जहाँ पे 150 वर्कर्स से ज़्यादा वर्कर्स एम्प्लॉयड हैं वहाँ पे काम कर रहे हैं तो उनके रेस्ट के लिए रेस्ट रूम्स, लंच करने के लिए लंच रूम्स विद ड्रिंकिंग वाटर वहाँ पे उनको प्रोवाइड करवाए जाएंगे ताकि अगर वर्कर्स अपने खाने के लिए कुछ लेकर आया तो वो वहाँ बैठकर आराम से खा सके. एंड
जो रेस्टरूम्स और लंच रूम्स शेल्टर्स उनको प्रोवाइड करवाई जा रही हैं, जो फैसिलिटी वहाँ पे दी जा रही है, वो रेस्टरूम्स लंच रूम्स प्रॉपरली सफिशेंटली लाइटेड हो एंड वेंटिलेटेड हो और उनको अच्छी कंडीशन में, साफ कंडीशन में रखा जाए, उसकी साफ सफाई जो है वो रेगुलरली की जाए। लेकिन अब यहाँ पे ये भी प्रोविजन है कि अगर फैक्ट्री में रेस्ट रूम्स हैं, लंच रूम्स अगर प्रोवाइड किए जा रहे हैं, तो कोई भी वर्कर ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स जहाँ पे वो काम कर रहा है उसके वर्क रूम में बैठकर खाना नहीं खा सकता, उसको लंच रूम में जाकर ही खाना खाना पड़ेगा। सेवेंथ प्रोविजन इज क्रचेस। किसी भी फैक्ट्री में अगर 30 से ज़्यादा वुमेन वर्कर्स को एम्प्लॉयड किया गया है, तो वहाँ पे अगर उनका अंडर द एज ऑफ 6 ईयर्स बच्चे हैं, तो वहाँ पे एक क्रच होना ज़रूरी है। एंड वो क्यों बनाया गया है, ताकि अगर मदर को ज़रूरत पड़ती है एट इंटरवल्स बच्चे को फीड करने की, या फिर बच्चे के कपड़े चेंज करने के लिए, या फिर बच्चे के कपड़े धोने के लिए, तो वहाँ पे क्रचेज होना ज़रूरी है। एंड उन क्रचेज में बच्चों के लिए फ्री मिल्क या फिर रिफ्रेशमेंट्स या दोनों प्रोवाइड करवाई जाएंगी एज पर द फैक्ट्रीज एक्ट 1948। एट्थ प्रोविजन इज वेलफेयर ऑफिसर्स। हर फैक्ट्री जहाँ पे 500 या उससे ज़्यादा वर्कर्स एम्प्लॉयड हैं, तो फैक्ट्री का जो ऑक्यूपायर है वहाँ पे एक पर्सन को एम्प्लॉय करेगा, यानी कि एक पर्सन को अपॉइंट करेगा एज वेलफेयर ऑफिसर्स टू लुक आफ्टर द वेलफेयर ऑफ द वर्कर्स। एंड वो जो वेलफेयर ऑफिसर है वो एज पर जो स्टेट गवर्नमेंट ने रूल्स प्रिस्क्राइब्ड किए हैं, उसकी ड्यूटीज़ क्या होंगी, उसकी क्वालिफिकेशंस क्या होंगी, वो ऑफिसर उसको फॉलो करेगा। तो दीज आर दी वेलफेयर प्रोविजंस अंडर द फैक्ट्रीज एक्ट 1948। थैंक यू सो मच।